दोस्तों नमस्कार, वेट गुरु राधे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राधे श्याम सैनी। ये देखिए आज इस बफेलो हीफर को क्या बीमारी है वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो बफेलो हीफर है कितने साल की होगी जी? मालिक जो है उनकी उधर फोकस करो। तीन साल की। हाँ तो ये जो 3 साल की हो गई है लेकिन अभी तक ये बोल नहीं रही है, यानी बेलोइंग जो साउंड होती है, जो हीट का जो सिम्टम है। जनरली बफेलो हीपर्स तो साइलेंट हीट में आती हैं जिनमें फ्रिक्वेंट मिक्चुरेशन होता है, बेलोइंग साउंड और डिस्चार्ज वगैरह नहीं आता ज़्यादा। तो हो सकता है कि ये साइलेंट हीट में आ रही हो और इनको पता ना चला हो, लेकिन फिर भी इनके हिसाब से इनफर्टाइल है ये 3 साल की होने के बावजूद, जबकि प्यूबर्टी की जो आयु है वो 2.5 साल से लेकर 4 साल तक होती है। बफेलो में 2.5 साल से 4 साल तक प्यूबर्टी की आयु है, उसको ये अटेन कर चुकी है, प्यूबर्टी की आयु को प्राप्त कर चुकी है, फिर भी ये नहीं बोल रही है। नहीं बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बोलकर इसको गीत गाने हैं, बोलने का मतलब यही है कि बेलोइंग साउंड नहीं, यानी हीट में नहीं आ रही है दोस्तों। तो हीट में लाने के लिए इसका इलाज करेंगे हम। तो पहले ये देखते हैं कि आखिर इसका जो जेनेटेलिया है, मादा जननांग या मादा जनन तंत्र, इसका सही है कि नहीं। सर्विक्स, यूटरस की बॉडी, यूटेराइन हॉर्न्स और जो ओवरी है वो किस प्रकार की है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं। ठीक है, बने रहिए वीडियो पर। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी जो राइट ओवरी है स्मूथ है, यानी इस पर न कोई फोलिकुलर सिस्ट है, न कोई फोलिकल है, न कोई कार्पस ल्यूटियम है, न कोई कार्पस एल्बिकेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ओवरी पर कभी फोलिकल बनी नहीं है। फोलिकल नहीं बनेगी तो ग्राफियन फोलिकल बनती है, उसकी थीका कोशिकाओं से निकलता है ईस्ट्रोजन और उसी ईस्ट्रोजन से पशु आता है ईस्ट्रस में या हीट में, तो वो कैसे आएगा? तो ये स्मूथ ओवरी इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई ओवरी पर कोई फोलिकल नहीं बनी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ही ओवरी है, दोनों ही स्मूथ है। अब की बार ये लेफ्ट वाली ओवरी भी ऐसी ही है। तो हम सबसे पहला स्टेप यही है कि ओवेरियन मसाज करते हैं, दोनों राइट और लेफ्ट ओवरी दोनों पे हम मसाज करेंगे ताकि फोलिकुलर डेवलपमेंट शुरू हो जाए। और जो इंजेक्शन हम बताएंगे आपके सामने ही बताएंगे कौन कौन से इंजेक्शन हम लगाते हैं। और इनफर्टिलिटी को या फिर जो एनिस्ट्रस प्रॉब्लम है, जो जिससे बफेलो हीफर्स या जो काऊ हीफर्स हीट में नहीं आती हैं, उसका इलाज कैसे करते हैं, कौन कौन से इंजेक्शंस लगाते हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप है ओवेरियन मसाज करना। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से जो इनफर्टिलिटी का है, जो एनिस्ट्रस का जो इलाज है बफेलो हीफर्स में, देखिए हम जो इंजेक्शंस लगाएंगे आपके सामने, ये नीले रंग वाला तो लगा ही रहे हैं, साथ में देखिए क्या करते हैं। सबसे शानदार इलाज बोलस रिकोबेंडाजोल आइवरमेक्टिन फॉर डोजिंग या डिवर्मिंग पाउडर मिनरल मिक्सचर, जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स प्राप्त हो जाते हैं। टेबलेट क्लोमिफिन सिट्रेट, जो कि दोस्तों ये पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस फिर गोनेडाट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, फिर FSH और LSA फिर हीट में आता है। फॉस्फोरस, विटामिन्स और मिनरल्स। धन्यवाद, नमस्कार।